Hey everyone, मैं हूँ ज्योति जसना अदर गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाई. सो कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल डाला था कि क्या आप लोग mCaffeine के प्रोडक्ट्स का लाइक रिव्यू देखना चाहते हैं, उन पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं. और ज़्यादातर लोगों ने येस पे वोट किया था क्योंकि mCaffeine पे लाइक बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. सो मुझे भी कुछ उत्सुकता जाग गई कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ. सो अमेजोन पर मैं गई और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये mCaffeine का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी फेस मास्क. तो फॉर स्टार्टर्स मैंने ये वाला फेस मास्क ले लिया अमेजोन से एंड आई हैव यूज्ड इट लाइक 4-5 times. और आज मैं आप सबके साथ इसका डेमो भी शेयर करूँगी एंड रिजल्ट भी दिखाऊँगी और देखेंगे कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है. सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेगा, और अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो उनके साथ ज़रूर शेयर करेगा जिनके लिए आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. और चैनल पर है तो इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए. ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसकी आईडी यहाँ के स्क्रीन पर है. वहाँ पर आप मुझे आपकी अगर कोई स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो भी वहाँ पर आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं एंड हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं इसके प्राइस की. तो ये आता है ₹575 का, जिसमें आपको मिल जाते हैं 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात कर लूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है. मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था. आई गेस कि ये नाइका पे भी अवेलेबल होगा, आई एम नॉट श्योर. तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है वहाँ के सारे लिंक्स डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. अगर पैकेजिंग की बात कर लूँ तो इस तरीके के आउटर कार्टन में आता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है प्रोडक्ट के बारे में. एंड ऑल्सो इसके अंदर एक ये वुडन स्पैचुला भी मिलता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये लाइक ये थॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड देन ऑफकोर्स जो हमारा फेस मास्क है वो इस तरीके की ग्लास बॉटल में आता है. यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है प्रोडक्ट के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो आउटर बॉक्स रखो ही रखो. देन इसको आप ओपन करोगे तो ये एक लिड भी है, ये भी अच्छी चीज़ है. एंड लाइक ये ओपन करते हैं इतनी अच्छी स्मेल आती है ना इसकी, माइल्ड माइल्ड सी बिल्कुल कॉफ़ी एंड कोको की मिक्स स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी लगती है. तो पैकेजिंग इसे काफ़ी लाइक देखने में अच्छी और लग्जूरियस लगती है, तो पैकेजिंग वाइज से मुझे काफ़ी सही लगा. अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इनका कहना है कि इसमें प्योर मॉनसून अरेबिका कॉफ़ी विथ प्योर कोको है जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं. ऑल्दो इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक केमिकल्स भी हैं एंड अदर इंग्रेडिएंट्स भी हैं, तो वो मैं यहाँ का स्क्रीन पे पिक्चर डाल दूँगी, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा. साथ ही साथ में इसमें नहीं है SLS, नहीं है पैराबिन, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और क्रुएलिटी फ्री है. अगर मैं क्लेम्स की बात करूँ तो इन्होंने एज सच कोई भी क्लेम नहीं किया. इनका सीधा सीधा कहना है मास्क अनमास्क एंड स्टे स्मूथ, और कुछ भी नहीं लिखा है कि ये क्या करता है. हालांकि इन्होंने कॉफ़ी के बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि कॉफ़ी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, पफिनेस को रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, सेल रीजनरेशन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, सेलुलाइट रिडक्शन करता है, ये सब चीज़ें. लेकिन इन्होंने तो सीधा सीधा नहीं लिखा है कि जब आप इस फेस मास्क को लगाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द डेमो. मैं दिखा देती हूँ इसको अप्लाई करके. सो इस तरीके का ये दिखता है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, 4-5 बार लगाया हुआ है. इसके साथ मिलता है ये स्पैचुला. वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो स्पैचुला की हेल्प से मैं नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा अपने फिंगर से ही लगाती हूँ. बट वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इतना फेस पैक निकाल ले रही हूँ और लगाऊंगी मैं अपने फिंगर से, क्योंकि स्पैचुला से लगाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. तो इसको लगाने के लिए लिखा हुआ है कि पहले आपको अपने फेस वॉश से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद क्लीन फेस पे आपको इसको अप्लाई करना है. तो मैंने ऑलरेडी फेस को वॉश कर लिया है एंड अब मैं इसको जो है अप्लाई कर लूँगी. एंड इसकी जो मतलब कंसिस्टेंसी है या टेक्सचर है ये काफ़ी थिक है. सो लेट अस अप्लाई. क्वांटिटी मैंने ली थी उसमें से इतनी क्वांटिटी बच गई है. इसका मतलब है कि ये जो है लाइक आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है और मेरा पूरा फेस कवर हो गया है. इसमें जो है काफ़ी बड़े बड़े स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं या बीड्स हैं आप कह सकते हो, जो कि लाइक अगर आप बहुत प्रेशर से इसको अप्लाई करोगे तो आपके फेस पर रगड़ खाएगा और आपको लाइक
दर्द भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत आराम आराम से इसको अप्लाई करना है। तो इन्होंने लिखा है कि लगाने के बाद 15 टू 20 मिनट्स तक आपको वेट करना है, और उसके बाद आपको अपना फेस ल्यूकवॉर्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, एंड देन मॉइस्चराइजर लगाना हुआ है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो मैं जब ये अच्छे से सूख जाएगा फेस को वॉश करके फिर मिलूंगी आपसे और दिखाऊंगी कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं। वैसे इसकी स्मेल तो लाइक बहुत ही अच्छी है, माइल्ड माइल्ड सी चॉकलेट एंड कॉफ़ी की स्मेल है, स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, माइल्ड सी है। बस बाकी आपको दिखाती हूँ मैं बाद में। ओके, सो अभी 20 मिनट्स से ऊपर ही हो गए हैं, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, जैसे बहुत सारे मास्क लगाते हैं ना बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो एकदम टाइट सा लगता है स्किन पे, ऐसा इसके साथ नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है। तो अभी 20 मिनट्स के ऊपर हो गए तो मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल वाटर से और उसके बाद आपसे मिलूंगी। ऑल्सो मैंने जैसा बताया था कि इसमें स्क्रबिंग बीड्स हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो फेस को वॉश करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अदरवाइज माइक्रो टेयर आ सकते हैं फेस पे, तो ये इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। ऐसे बहुत सारे मास्क होते हैं जिसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स या बीड्स होते हैं, बट वो काफ़ी लाइक फाइन होते हैं, आप आराम से स्किन को अगर रब भी कर रहे हो तो भी वो आपके स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर स्किन सेंसिटिव है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको जब भी वॉश करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़ोर ज़ोर से रब ना करें, फेस को अच्छे से गीला करें और बहुत ही धीरे धीरे से इसको वॉश करें। ओके, सो अभी मैंने फेस को वॉश कर लिया है, सुखा लिया है, एंड लिखा हुआ है पैक पे कि आपको फेस को वॉश करने के बाद लाइट सा मॉइस्चराइजर लगाना है, बट मैंने फिलहाल कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए इमीडिएट रिजल्ट्स। वैसे मैंने ऑलरेडी 4-5 बार लगाया हुआ है और आज भी आप देख सकते हो लाइक फेस क्लीन तो लग रहा है, और कैसा क्लीन, जब आप कोई फेस वॉश लगाते हो फेस पे फिर फेस धोते हो तो फेस क्लीन हो जाता है ना, तो सेम उसी तरीके का क्लीन मुझे लग रहा है। ऑयली स्किन के लिए है तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा तो फील हो रहा है कि जैसे जो एक्स्ट्रा ऑयल मेरे फेस पे था वो चला गया है मेरे फेस से, बट अदर देन दैट मतलब क्लीन फेस के अलावा मुझे और ऐसा कुछ अलग सा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मैं किसी फेस मास्क के लिए 575 रुपये पे कर रही हूँ तो आई वॉन्ट टू सी समथिंग एक्स्ट्रा या समथिंग एल्स कह सकते हैं। आई नो कुछ फेस वॉशेज ऐसे होते हैं जो एक बारी में अपना रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, 4-5 बार जब आप उसको यूज़ कर लोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आता है, और मैं उसको 4-5 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे इसको यूज़ करके कुछ भी लाइक कुछ अलग सा नहीं नज़र आता है मेरे फेस पे। वैसा ही लगता है कि अगर मैं फेस को फेस वॉश से धो लूँ जैसा फेस लगेगा वैसे ही मुझे इससे भी लगता है, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी अलग कुछ भी स्पेशल नहीं लगता है मेरे फेस पे, और ऐसे फेस मास्क के लिए मैं 575 रुपये नहीं पे कर सकती। ओके, सो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि mCaffeine का ये जो नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी मास्क है ये एक लाइक ओके सा फेस मास्क है, एंड 575 जिसकी प्राइस है वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कुछ भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं लगे, रेगुलर यूज़ कर लिया, आज आपको भी दिखा दिया यूज़ करके, मुझे कुछ भी ऐसा इवन मेरी स्किन ग्लोइंग भी नहीं लग रही है, तो मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखे, और लाइक यू कैन गिव इट अ मिस। अगर आप इसको नहीं ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो ब्यूटी वर्ल्ड में या स्किन केयर के वर्ल्ड में। सो मुझे नहीं पसंद आया और मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी इसको, एंड दोबारा से खरीदूंगी भी नहीं, 575 रुपये नहीं वेस्ट करने वाली। सो या ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपने इसको यूज़ किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये कैसा लगा, और mCaffeine के प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप देखना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि किनका रिव्यू आपको देखना है। तो या अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर।